Hey guys, this is Kashee Faslam from Kashee and welcome back to my YouTube channel once again. In this video, I'll be showing you this gorgeous mehndi makeover. Aksar aapne meri videos mein dekha hai aur meri aksar pictures wagaira mein aapne dekha hua hai. Mayoon mehndi ka makeup ek bahut hi soft color ke sath kar raha hota hu lekin mostly jo hai ek soft look ke liye hamesha wing liner laga hua hota hai. Lekin uske sath sath bahut sare log aise bhi hain jo bahut zyada glamorous look pasand kar rahe hote hain Mayoon ke occasion ke liye. Aaj ke is video mein maine decide kiya hai ki is tarah ke Mayoon ke occasions ke liye kis tarah ka glamorous makeup hona chahiye जो कि बहुत खूबसूरत भी लगे, स्टिल जो है एक ब्यूटी एलिमेंट भी हो और इस तरह की कोई एक शार्प लुक भी नहीं आए. जैसे कि मोस्टली अगर हम बहुत ज्यादा कोई डार्क कलर्स यूज कर रहे होते हैं या कोई हैवी आईज बना लेते हैं, ऑब्वियसली मायू मेहंदी का एक फंक्शन जो है उसके बाद जो है एक डिफरेंस सबसे ज्यादा ब्राइट के लिए वेडिंग का होता है, ताकि एक वो डिफरेंस भी रहे. तो मेरे हिसाब से इन चारों दिनों का मेकअप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन इट्स एन ऑप्शन कि अगर कुछ लोगों को एक सॉफ्ट लुक चाहिए, तो जिस तरह के मेरे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, बहुत सारी मेरे ऐसे मेकअप की वीडियोज भी हैं. लेकिन इसके अलावा आजकल जो है मेहंदी का जो ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा लोग जो है उसमें एक्साइटेड होते हैं. इवन कि ब्राइड भी जो है बहुत एंजॉय कर रही होती है अपने फंक्शन को. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी जो है उसमें फोटोग्राफी, उसमें वीडियोग्राफी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं. तो उस लिहाज से वो फंक्शन जो है, क्योंकि उसमें मार्जिन होता है कलर्स का, उस लिहाज से अगर कुछ लोगों को अगर ग्लैमरस लुक पसंद है तो आई थिंक ये मेकअप जो है उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा इस मेकअप के बारे में कि किस तरह से ये आप मेकअप कर सकते हैं और किस तरह से ये इवन टोन फाउंडेशन आप लगा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने कोई कवरेज नहीं की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेकअप. और सबसे पहले मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ और इसके लिए काशीज इवन टोन फाउंडेशन का शेड नंबर 2 ये यूज़ कर रहा हूँ मैं. इस बेस के लिए, इस फाउंडेशन के लिए इसकी खास बात ये है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से मॉडल का फेस है और डार्क सर्कल्स हैं, ओवरऑल स्किन तो बेहतर है, लेकिन किसी भी किस्म के कोई पैचेज हों, कोई भी वेंस लाइन हो या कोई एक्ने का स्पॉट हो, फ्रेकल्स हों, पिगमेंटेशन हो, तो ऑब्वियसली एक बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है. तो अक्सर ऐसा होता है फ्रेकल्स हों, पिगमेंटेशन हो, फिर मार्क्स हों, उसको कवर करने के लिए बेस बहुत हैवी हो जाती है. लेकिन ये मैंने हमारे वेदर के हिसाब से पूरा इस फाउंडेशन को कस्टमाइज बनवाया है. एक खास बात और ये है कि हर तरह की स्किन के लिए बहुत बेस्ट है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये बिल्कुल आप इजीली आप डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तब आप कोई ब्यूटी ऑयल या कोई प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती इस फाउंडेशन को लगाने के लिए, क्योंकि ये 100% तो इससे कवरेज हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग. जिस तरह के हमारे यहाँ के फंक्शन होते हैं, ओकेजन होते हैं ब्राइट स्किन, समटाइम्स ऐसा होता है कि फोटोशूट्स की वजह से या वेन्यू वगैरह में कभी बेस वगैरह क्रैक हो जाती है या बेस डार्क हो जाती है बेस, तो इस फाउंडेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. काफ़ी देर तक जो है ये फाउंडेशन जो है स्टे करती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन भी हो तो भी क्रैक नहीं होती. और आप देख सकते हैं कि सिर्फ इवन टोन फाउंडेशन की वजह से सिर्फ मैंने यही लगाया हुआ, कोई कलर करेक्टर नहीं लगाया हुआ, कोई कंसीलर नहीं लगाया हुआ, लेकिन ओवरऑल जो फेस है वो आप देख सकते हैं पूरा बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड हो चुका है इस फाउंडेशन की वजह से और स्किन जो है बिल्कुल फ्लॉलेस हो चुकी है. और जिस तरह से ऑब्वियसली एक लाइट वेट फाउंडेशन है तो डेफिनेटली कोई हैवी लुक भी नहीं है फाउंडेशन पर. जिस तरह से लोगों को बहुत हैवी फाउंडेशन पसंद नहीं होती, अगर स्टिल फिर भी स्किन में कोई पिगमेंटेशन होती है, फ्रेकल्स होते हैं या एक्ने स्पॉट्स होते हैं, उसके लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये फाउंडेशन.
Now I'm going to use Kashee's pressed powder or shade number is ka 7. अगर आपकी oily skin है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से sponge के साथ लगा सकते हैं, उसके बाद dust out कर सकते हैं brush के साथ. लेकिन obviously अभी model की जो skin है वो normal skin है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा pressed powder heavy नहीं लगाऊंगा, लेकिन पूरे face पे लगाऊंगा क्योंकि obviously इस पूरे makeup के बाद जो है पूरा heavy lights में मुझे पूरा इसका shoot करना है. तो इसलिए अगर जिस तरह से भी lights की वजह से बहुत heat होती है तो एक oil produce होता है, तो ये पूरा जो है settle रखेगा फाउंडेशन को, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी. और ये पूरी वीडियोज़ जो है अभी आप पूरे इस मेकअप के बाद आप देखेंगे. Now I'm going to use Kashee's Perfect Eyebrow Maker, and to apply this sheet I'm using Kashee's K24 brush. और आप देख सकते हैं आज के पास से मेरे हल्का सा eyebrows को lift करके और बहुत ही आराम से मैं लगा रहा हूँ. और आपको outer side से जो है eyebrows जो है अगर आप start करें तो एकदम से जो है inner side पे बहुत ज़्यादा एक sharp और एक बहुत ज़्यादा जिस तरह से cunning look आ जाता है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा अगर हम eyebrow को एक stamping look दे दें. Make sure कि आप जो है आप बहुत ही light hand के साथ आप जो है इसकी eyebrow आप shape कर रहे हों, क्योंकि आज जो है वैसे भी आईब्रोज का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल चल रहा है. और ये जो शेड है Kashee's Perfect Eyebrow Maker, ये एक बहुत ही नेचुरल सा कलर है. और इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसको हल्के सा वाटर के साथ आप इसको लगा सकते हैं, और जिस तरह से समटाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई जेल टाइप के शेड तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जम जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक डार्क लुक दे देते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन ओबियसली ये एक वाटर बेस्ड शेड है, और जिस तरह से आप चाहें तो इस तरह से आप इसकी शेप बना सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि इनर कॉर्नर पे इसी शेड से लेकिन मैंने किस तरह से एक नेचुरल लुक दिया है. और आईब्रोज का आप डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नीट और क्लीन ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज Kashee's ग्लैम हाइलाइटर एंड द शेड नंबर इज 1. Next, I'm going to use Kashee's watercolor eyeshadow and the shade number is 25. And to apply this shade, I'm using Kashee's K16 brush. और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एक वाटर बेस कलर है. इसका शिमर आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है हम कोई भी वाटर बेस कलर जब लगा रहे होते हैं तो इस तरह का शिमर पिगमेंट कभी भी नहीं आता, या अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रीम शेड्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनसे इस तरह का पिगमेंट आता है. लेकिन क्रीम शेड की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि क्रीज लाइन बन जाती हैं, लेकिन ये पूरा कस्टमाइज एक वाटर बेस शेड है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसका ग्लो भी इसी तरह से रहता है और ये बिल्कुल सटल रहता है. और आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने ब्रश के बाद इसको हल्का सा फिंगर से टैप किया है, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्लेंडेड लुक आ चुका है. Next, I'm going to use Kashee's Eye Glowing Shimmer and the shade number is 3. And to apply this shade, I'm using Kashee's K20 brush. Now I'm going to use Kashee's Matte and Magic Eyeshadow Palette. और जैसे कि इस palette में आपने देखा है कि बहुत सारे matte colors हैं जो जिनकी वजह से बहुत easy हो जाता है आपको transition shades बनाना, आपको outer corners बनाना. सबसे पहले मैंने इसमें neutral brown shade लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसको मैं Kashee's की K12 brush की application कर रहा हूँ. और आपने इसको overall पूरा आपने crease line पे इसको लगाना है, और back and forth आपने continuously इसकी blending करनी है ताकि जो crease line है उसमें बहुत ज़्यादा shade बहुत harsh ना हो, और continuously आपने उसको ब्लेंड करना है इस मेकअप में, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है. तो मैंने आज जो है इस मेकअप में एक विंग लाइनर इफेक्ट नहीं देना है, इसको बहुत एक राउंडेड आइज बनानी है, और इसमें शेड्स जो हैं वो प्रोमिनेंट करने हैं और डिफ्यूज़ करने हैं, साथ साथ कि एक ब्लेंडेड लुक भी रहे. अगेन आई एम यूजिंग Kashee's K11 ब्रश. एक फ्लफी सा ब्रश है जिसकी वजह से ब्लेंडिंग जो है बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है. आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी क्रीज लाइन पर एक शार्प एक हार्श लुक था वो ख़त्म हो चुका है. Now again I'm using Kashee's Matte and Magic Eyeshadow Palette. आप देख सकते हैं कि चौको ब्राउन सा कलर ये लगा रहा हूँ, और जिस जगह पर मैंने अपना पहला ट्रांजिशन शेड लगाया था उसी के साथ जो है मैं इसकी ओवरऑल दोबारा अगेन जो है क्रीज लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा. इसको आउटर वी से स्टार्ट करके पूरे क्रीज लाइन पे आपको उसके एक आई बॉल को कवर करना है ताकि एक राउंडेड इफेक्ट बहुत अच्छा सा आ जाए. और इसको बहुत एहतियात से आपने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद अगेन इसकी ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं पूरी ओवरऑल जो है क्रीज लाइन में मजीद डेप्थ दे रहा हूँ, सबसे पहले जो ट्रांजिशन शेड लगाया था और उसके बाद जो है मैं डार्क शेड लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से ब्लेंडिंग करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर आपका हाथ जिस तरह से भी सेट आप उस तरह से इन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फोकस जो है वो रिजल्ट ही होता है, वो आप किसी भी तरीके से करें. मेरा अपना स्टाइल है करने का, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि रिजल्ट क्या है.
Now again I'm going to use Kashee's watercolor eyeshadow and the shade number is 25 jaise ki maine sabse pehle lagaya tha aur ab aap dekh sakte hain ki maine jo hai puri crease line hai usko neat karne ke liye eyeball ko bahut zyada dobara se neat and clean kiya hai mazid aapne is baat ka khaas khayal rakhna hai ki aapko iski application karte hue watercolor eyeshadow ki beauty ka khaas khayal rakhna hai ki isi tarah se iska pigment aaye aur isi tarah se iska neat and clean look aaye and to apply this shade I'm using Kashee's K24 brush Now once again I'm going to use Kashee's Matte and Magic Eyeshadow Palette और आप देख सकते हैं ये black color जो है मैं इसके outer corner पर लगा रहा हूँ and to apply this shade I'm using Kashee's K22 brush और ये बहुत ही बेहतरीन brush है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा shade black नहीं लगाना है सिर्फ outer corner पर लगाना है लेकिन बहुत ज़्यादा इसको फैलाकर भी नहीं लगाना इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसको precise होकर पूरा इसको लगा रहा हूँ कि बहुत dark outer corner नहीं हो black के साथ पूरा जो है एक brown shade बिल्कुल blended होता हुआ चला जाए और outer corner एक बहुत neat और clean हो जाए लेकिन outer corner पे ब्लैक शेड की वजह से एक नीटनेस भी रहे और इसको मजीद जो है ब्लेंड करने के लिए नाउ अगेन आई एम यूजिंग काशीज के 11 ब्रश आप देख सकते हैं ये वही फ्लफी ब्रश है जो मैंने पहले यूज किया था और इसे ब्लेंडिंग करना आउटर कॉर्नर को के स्ट्रोक्स मजीद बाहर निकालना और एक नेचुरल लुक देना और मेकअप को मजीद नीट करना तो बहुत ईजी हो जाता है आई मेकअप जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं वाटर कलर आई शेडो ऑलरेडी इसमें शिमर पिगमेंट था लेकिन इतने मेकअप के बावजूद भी एक बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन इसको मजीद एनहेंस करने के लिए इसको मजीद शिमर ऐड करने के लिए आई एम यूजिंग काशीस मैजिक क्वीन शिमर एंड द शेड नंबर इज 15 इट्स एन ऑप्शन आपने पास जो है अगर आपको मजीद ग्लैमरस लुक चाहिए तो आप ये मैजिक क्वीन शिमर यूज़ कर सकते हैं और इसको लगाने से पहले आई शेडो बेस लगा चुका हूँ उसके बाद जो है मैजिक क्वीन शिमर जो है इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ कभी भी डायरेक्ट जो है आप मैजिक क्वीन शिमर नहीं लगाएं और आप देख सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा एक मजीद आईबॉल आईलेट जो है वो हाईलाइट हो चुका है Now I'm going to use Kashee's Super Black Eyeliner. इसको मैं लैश लाइन के साथ पूरा लगा रहा हूँ जैसे कि मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि लैशेस को मजीद नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए एक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है अगर आपने लाइनर लगाना है तो भी सबसे पहले लैश लाइन पर एक जो है अपनी एक नीट लाइन क्रिएट करें ताकि आपका लैश बैंड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्लेसमेंट पर फिक्स हो सके Now I'm going to use Kashee's Giant Brush Mascara और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मेकअप है जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से ब्लेंडिंग का कहा था जिस तरह से मैंने शेड्स जो है बहुत ही केयरफुल होकर सारे लगाए थे तो आप देख सकते हैं वो तमाम जो शेड्स हैं बहुत अच्छे ब्लेंड हो चुके हैं तो ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो लैशेज लगा सकते हैं अगर आप लैशेज नहीं लगाना चाहते और मजीद आप अपनी लैशेज को इन्हेंस करना है तो आप इस मस्कारे का आप दो दफ़ा कोट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लैशेज के बगैर भी ये मेकअप बहुत ही खूबसूरत ग्लैमरस और नीट और क्लीन लग रहा है कोई भी कहीं पर भी आपको शेड जो है बहुत ज़्यादा कोई हार्श लाइन नजर नहीं आ रही होगी हर जगह से आप देखें कि कलर्स काफी सारे लगे हुए लेकिन तमाम कलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ब्लेंडेड हैं इवन कि आई मेकअप अभी भी इनकम्प्लीट है मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जितने भी मेकअप हों उसमें नीटनेस का खास ख्याल हो ताकि एक फिनेस ग्लैमरस लुक भी रहे साथ साथ नाउ आई एम गोइंग टू यूज काशीज आईलैशेस एंड टू अप्लाई दिस लैशेस आई एम यूजिंग काशीज आईलैशेस एडहेसिव After lashes application, now I'm going to use Kashee's black gel liner और उसको मैं पूरी वाटर लाइन पर लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल पूरा मेकअप जो है मुझे ग्लैमर सा ही रखना है और जिस तरह के मैंने इसमें कलर्स लगाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये कलर्स जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं इन कलर्स को आपस में ब्लेंड करना प्रीवियस आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि मैं वाटर लाइन पर अक्सर जो है वाइट शीट लगा रहा होता हूँ जिसकी वजह से आँख जो है वो काफ़ी खुली भी लगती है लेकिन काजल से आँख मजीद किस तरह से खूबसूरत लग सकती है ये आप देखेंगे Now once again I'm using Kashee's watercolor eyeshadow number 25 और आप देख सकते हैं कि ये वही शेड है जो मैंने ओवरऑल आईलेट पर लगाया था आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर पर मैं शेड दोबारा लगा रहा हूँ लेकिन साथ साथ इसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे ओवरऑल एक ब्लेंडेड लुक अंडर आईज पर भी रहे Now once again I'm using Kashee's Matte and Magic Eyeshadow Palette और ये ब्लैक शेड दोबारा मैं लगा रहा हूँ एंड टू अप्लाई दिस शेड आई एम यूजिंग काशीज K25 ब्रश आप देख सकते हैं कि इसको मैं लोअर लैश लाइन पर इसको आउटर कॉर्नर पर बहुत अच्छे तरीके से इसको स्मच कर रहा हूँ और ये एंगल ब्रश जो है वो बहुत बेस्ट है ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसको एक ब्लेंडेड इफेक्ट देने के लिए क्योंकि मुझे इसको काजल के साथ ओवरऑल पूरा आउटर कॉर्नर जो है वो ब्लेंड करना है Now again I'm using this choco brown shade from Matte and Magic palette and to apply this shade I'm using Kashee's K20 brush. Now once again I'm going to use Kashee's Giant Brush Mascara for the bottom lashes और आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल जो है मेकअप जिस तरह से आपने अक्सर देखा है कि वाटर लाइन पर मैं वाइट शेड लगाता हूँ तो आँख जो है बड़ी लग रही होती है लेकिन काजल लगाने के बाद भी आँख किस तरह से ग्लैमरस किस तरह से बड़ी लग सकती है ये आप देख सकते हैं and this is the end of the result.
Now this is the complete and final look और आप देख सकते हैं कि overall जो है इस पूरे makeup में जिस तरह से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को foundation के हवाले से आप लोगों को easy तरीका easy method और easy तरीके से आप लोगों को guideline मिल सके इसी तरह से eye makeup जो है वो बहुत ज़्यादा makeup के लिए बहुत ज़्यादा main होता है जो बहुत ज़्यादा obviously एक focusing चीज़ होती है तो वो पूरी details मैंने आपको दी उसके अलावा मज़ीद अभी जो मेरी lipsticks वगैरह हैं blush on हैं contour हैं highlighters हैं वो सारी चीज़ें जो हैं overall makeup के लिए उसके लिए भी मैं complete video tutorial बनाता रहूँगा This is the end result और आप I think देख सकते हैं कि एक bridal makeup करना जिस तरह से मेरे अपने signature styles होते हैं makeup के hair styling वगैरह वो पूरा overall जब एक makeup में होता है तो किस तरह से ये एक end result आता है किस तरह से एक खूबसूरत एक finesse look एक glamorous look उसके पीछे जिस तरह से आपने देखा है कि मेरे अपने pictures या मेरी अपनी कोई भी makeup videos आपने देखी हैं तो I think ये video आपके लिए काफी helpful होगी क्योंकि इसमें वो काफी सारी चीजें reveal हो चुकी हैं obviously जिस तरह से मैंने foundation लगाया था eye makeup किया था जो बहुत ज्यादा main चीज होती है उसके अलावा काशीज हेयर स्टाइल जो obviously ये भी मेरा एक बड़ा सिग्नेचर लुक है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव हेयर स्टाइल होते हैं और हेयर स्टाइल जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी मजीद वीडियोस में जो है हेयर स्टाइलिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आप लोगों को बनाना सिखाऊं अभी फिलहाल जो है जो आप रिजल्ट आप देख रहे हैं ओवरऑल एक कंप्लीट ब्राइडल मेकअप जो आई थिंक एक मेहंदी ब्राइडल के लिए जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और मेरे सलोन पर इस तरह की बहुत डिमांड होती है ब्राइड्स की अपने मेहंदी वगैरह के ओकेजन में इस तरह के मेक ओवर इस तरह के हेयर स्टाइलिंग की और ये बहुत ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है इस हेयर स्टाइल इस मेकअप की वजह से एक बहुत ग्लैमरस लुक भी आती है उसके साथ साथ एक जो है इनोसेंट एलिमेंट भी रहता है फेस पर कोई बहुत ज्यादा शार्प लुक बहुत ज्यादा एक कोई कनिंग लुक नहीं आती इवन के जिस तरह से मेकअप हुआ हुआ है जैसे कि आपने देखा कि बेस भी मैंने बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगाया था आईज जो है बहुत ग्लैमरस ही बनी हुई है शेड्स बहुत लगे हुए हैं लेकिन वो एक सटल तरीके से एक ब्लेंडेड तरीके से ये तमाम कलर्स जो है मैंने लगाए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओवरऑल पूरी वीडियो इसमें जो ड्रेसेस हैं वो मेरे अपने काशीज ब्राइडल बुटीक का ड्रेस है और ज्वेलरी है वो मेरे अपनी काशीज ब्रांड की है ये हमारा जो है बेसिकली एंड रिजल्ट होता है स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक कि क्या प्रोसेस होता है किस तरह से हम ब्राइडल मेकअप करते हैं किस तरह से हम पूरा ओवरऑल शूट कर रहे होते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली ये फाइनल एक रिजल्ट आता है अक्सर जो है ब्राइड्स जो है काशीज पर अपनी फोटोग्राफी करवाती हैं वीडियोग्राफी करवा रही होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेकअप जो है ऑब्वियसली एक दिन में सब देख रहे होते हैं लेकिन फोटोग्राफ्स या वीडियोस जो है वो हमेशा के लिए एक मेमोरी होती है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम मेकअप करते हैं उसी तरह से हमारी कोशिश होती है कि हमारी फोटोग्राफी हमारी वीडियोग्राफी भी ऐसी हो ताकि इतने अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो आपकी वीडियो में आपके एल्बम्स में वो कैप्चर हो सके इसलिए एक एक डिटेल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अभी हेयर स्टाइल का एक अलग प्रोसेस है उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी मैंने फिल्मिंग नहीं की इस वीडियो में लेकिन जैसे कि मैंने आप तमाम लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाता रहूँगा मेरा बिलीव है कि जो मैंने कहा है तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँ जब से ऑब्वियसली मैंने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई हैं और जिस तरह का फीडबैक लोगों का मिल रहा होता है तो और जिस तरह से लोग ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स मेरी परचेज कर रहे होते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे फेसबुक सोशल मीडिया इवन कि व्हाट्सअप वगैरह पर भी जो मेरे नंबर से वहाँ पर लोग कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली चीज़ें ले रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है लोग ले चुके हैं और काफ़ी सारी जैसे सिल्क एंड स्लीक आई शैडो पैलेट से मैंने बहुत सारे मेकअप किए हैं उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने ली हुई हैं लेकिन मेरे ख्याल में मैंने उनकी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई लेकिन उन तमाम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक एक चीज़ की वो मेरे जितने भी पैलेट्स हैं वो मेरे जितने भी मैजिक क्वीन शिमर हैं जितने भी 3D शिमर्स हैं जितने भी और मजीद मेरी प्रोडक्ट्स हैं जितनी प्रोडक्ट्स मेरी मजीद आ रही हैं उन तमाम चीज़ों की डिटेल में वीडियोज़ उनके रिव्यूज़ उनको किस तरह से आपने यूज़ करना है उनका रिजल्ट किस तरह से ईजी तरीके से आपने एक अच्छे तरीके से लेकर आना है बहुत सिंपल और ईजी तरीके से मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको अपनी इन तमाम वीडियोस में सिखाऊंगा क्योंकि मेरा फोकस यही है कि मैं मेकअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मेकअप से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शन हैं लोगों के जिस तरह से लोग मेकअप को मुश्किल कर लेते हैं तो वो किस तरह से आसान तरीके से हो सकता है ये बेसिकली मेरा एक टारगेट है मेरा एक मोटो है मेरा एक गोल है कि मैं तमाम लोगों को जो भी मेरा सोशल मीडिया देख रहे होते हैं जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब पर मैं वो तमाम चीज़ें वो तमाम ब्यूटी टिप्स वो तमाम हैक्स मैं आप लोगों को सिखा भी सकूँ किस तरीके से आपने बेसिकली एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना है ये मेकअप जो है ओवरऑल मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से सिखाऊं इस तरह से मेरी अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस भी बनी हुई हैं जिनमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेकअप तो ऑब्वियसली आप देख रहे होते हैं बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं मेकअप बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन मेरा जो बेसिकली टारगेट वो यही है कि मेकअप जो है ईजी तरीके से सिंपल मेथड के साथ और बेहतरीन रिजल्ट हो उसके साथ तमाम लोग मेकअप सीख सकें मेकअप कर सकें इंशाल्लाह अगेन आपसे मुलाकात होती है एक ज़बरदस्त सी नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ अपना बहुत ख्याल रखें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़
Thank you.